आम का सीजन हो और आपने ये आइसक्रीम बनाकर नहीं खाई तो फिर क्या ही खाया यार। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियर टू दैट रेसिपी में। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो स्टफ कुल्फी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कोई सा भी आम। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा मालदा आम ले लिया है, आप कोई सा भी मीठा आम ले सकते हो। और उसके बाद इसका जो मुंडी है ऊपर से हम काट करके हटा लेंगे। हमें इसे इतना काटना है ना कि इसका गुठली जो है वो आसानी से निकल जाए। तो फिर हम नाइफ़ की मदद से साइड साइड से इसका गुठली को छुड़ा लेंगे। आप इस प्रोसेस को चम्मच की मदद से भी कर सकते हो। अगर चाकू की मदद से करेंगे तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो चाकू है वो बाहर के साइड से ना निकले, क्योंकि जब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे तो वो बाहर के साइड से निकल सकती है। इसीलिए हमें अच्छे से चाकू की मदद से ध्यान से करना है। उसके बाद इसे हम किसी सरसी की मदद से इसका जो गुठली है हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, एकदम आसानी से और कितनी इजीली ये निकल गई है गुठली। अब इसमें थोड़ा सा ना इसका क्या हुआ कि रस रह गया, ठीक है। तो ये जो रस है इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये अब आम जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे साइड में और उसके बाद हम इसका एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप दूध, और ये फुल क्रीम वाला दूध है, बस यही हमें चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह पाए। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर दूध में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है और दूध में 1 से 2 उबाल आ भी चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने मीठे के अनुसार डाल सकते हो, जितना आपको मीठा पसंद हो। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो दूध की मलाई होती है ना, वो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है, और इसे भी डाल के हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो इसमें साइड साइड से मलाई जमते जा रही है उसे भी हम छुड़ाते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगी कि जो हमारी दूध है वो जल्दी थिक होने लगेगी और जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल जो लच्छेदार रबरी होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह आएगा। और इसे हमें बिल्कुल गाढ़ी होने तक पका लेना है। तो ये देखिए, जो दूध है वो थोड़ी थिक हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए 4 से 5 ड्रॉप्स वनीला एसेस की, और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो एसेस हमने डाला है वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो। और उसके बाद इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और भी थिक हो जाएगी। तो ये देखिए, ये एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। और जो इसका टेक्सचर है वो एकदम जो लच्छेदार रबड़ी होता है ना, बिल्कुल उसी तरह। इसीलिए हमने इसमें मलाई मिक्स किया था ताकि जो दूध है वो जल्दी गाढ़ी हो जाए। उसके बाद जो हमने आम का गुठली निकाल के रखा था उसमें हम ये सारा फिलिंग डाल करके भर देंगे। अब जो इसका मुंडी हमने काट के रखा था वो इसके ऊपर से लगा देंगे ताकि इसमें कोई भी बर्फ ना जम पाए, और इसे हम रख देंगे फ्रीजर में रात भर के लिए सेट होने के लिए ताकि ये अच्छे से जम जाए। और उसके बाद ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है, रात भर के लिए छोड़ दिया था मैंने इसे फ्रिज में। अब इसे हम कट करेंगे, उससे पहले इसे हमें छील लेना है। तो ये देखिए, इसका जो छिलका है वो कितनी आसानी से निकल जा रही है। तो ये देखिए, आम का छिलका हमने निकाल लिया है, अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से कट भी हो जा रही है, थोड़ा प्रेशर लगेगा पर आसानी से ये कट हो जाएगी। तो ये देखिए, इसे 1 बराबर पीसेस में हमने कट कर लिया है, अब इसे एक प्लेट में हम निकाल करके सर्व करेंगे। और ऐसी कई तरह की स्टफ आइसक्रीम अब तो मार्केट में भी मिलने लगी है। इससे पहले मैंने ग्वावा स्टफ आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की थी, तो वो भी आप चेक करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
और इसे हम रोज पेटल और बादाम से गार्निशिंग करेंगे। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे और हर हर महादेव।